हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज का जो वीडियो है यह भी बिहार शिक्षक बहाली से ही संबंधित है, हालांकि हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षक बहाली से संबंधित है, लेकिन यहां पे प्राइमरी का भी चर्चा यहां पे किया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हाई स्कूल के लिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया, फिर प्राइमरी की तरफ चलेंगे। महज 18 दिन में जिले के 1000 चयनित अभ्यर्थियों के 5000 प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। हाई स्कूल और प्लस टू शिक्षक बहाली को लेकर विभाग ने नया नियम जारी करते हुए DEO DPO को गाइडलाइन जारी किया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में निर्देश दिया है। हाई स्कूल और प्लस टू शिक्षक बहाली में सूबे के साथ ही बाहर के संबंधित बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के मैट्रिक, इंटर से लेकर जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, उन सभी को संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय के पास भेजकर सत्यापन कराना होगा। संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से सत्यापन के में 18 दिन का समय सरकार ने दिया है। चयनित शिक्षकों को इसके बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा। मतलब सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट है उसकी जांच होगी, उसके बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बहाली में बहुत सारे फर्जी शिक्षक आ गए थे और बाद में जाँच में पता चला था कि वो फर्जी शिक्षक है और आज तक उसकी जाँच हो ही रही है। इसलिए इस बार पहले ही जांच कर लिया जाएगा, जांच में सत्यापन करने के बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा। सूबे के भीतर का प्रमाण पत्र जिला स्तर से और सूबे के बाहर के प्रमाण पत्र की जांच के लिए कोषांग मनाया जाएगा। DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि सरकार ने इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी है और हाई स्कूल प्लस टू के लिए 10 से 18 दिसंबर तक का समय दिया गया है। और हाई स्कूल और प्लस टू का जो सत्यापन करना है उसके लिए 10 दिसंबर का समय दिया गया है, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन इसमें भी सेम प्रोसेस पे ही होगा, पहले सारे डॉक्यूमेंट का हो जाएगा, जांच हो जाएगा, उसके बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया भी गया है प्राइमरी के चयनितों के सर्टिफिकेट का भी सत्यापन। ये आज का न्यूज़पेपर है 30 अक्टूबर का। DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि इस बार हाई स्कूल और प्लस टू के साथ ही प्राइमरी मिडिल के 4800 चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का भी सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल जो इसकी तिथि है वो निर्धारित नहीं की गई है। और किन किन प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा ये भी आप देख लीजिए। DPO ने बताया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के मैट्रिक, इंटर, स्नातक, टीचर ट्रेनिंग और STET के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय से करनी है। इसी तरह प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए भी होगा, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट का जांच होगा, किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो, इसके लिए इस तरह की पहल जो है की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं उससे आप लोगों को अपडेट करूंगी। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है न्यूज़, तो कोई अपडेट आता है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।